नमस्कार एस्ट्रो इंसाइट्स विद रिचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रिचा शुक्ला। सितंबर का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है, क्योंकि इस महीने में पांच बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उसका प्रभाव हम पृथ्वी वासियों पर या पूरे ब्रह्मांड पर कुछ ना कुछ अवश्य पड़ता है। तो सबसे पहले बात होगी कि कौन कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और मेरा जो आज का वीडियो होगा वो है शुक्राचार्य, यानी कि वीनस शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस भौतिक जगत में शुक्र की इंपॉर्टेंस को हम में से कोई भी नहीं नकार सकता। भौतिक जितने भी सुख सुविधाएं, लग्जरीज, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छी सजावट, सभी कुछ तो शुक्र देते हैं। तो इन शॉर्ट शुक्र का राशि परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन इस महीने का है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए राशियों के हिसाब से क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में आज आपसे चर्चा कर ली जाए। एक छोटा सा जो क्लिपिंग है वो ये कि कौन कौन से ग्रह सितंबर में राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले 6 सितंबर को सुबह 4 बजे के आसपास शुक्र जो है वो कन्या राशि से निकलकर और अपनी राशि यानी कि तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में शुक्र का भ्रमण या संचरण मालव्य योग का निर्माण करता है। अब किन राशियों के लिए क्या फल देंगे ये मैं आगे बताऊंगी। तो शुक्र बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग स्थिति में ब्रह्मांड में होने जा रहे हैं 2 अक्टूबर तक। 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के लिए समय तो 27-28 दिन का ही है, लेकिन प्रभाव बड़े हो सकते हैं। दूसरा बड़ा ग्रह मंगल जो है वो कन्या राशि में 6 सितंबर को प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, वहां 22 अक्टूबर तक रहेंगे। गुरु जो है वो 14 सितंबर को फिर से एक बार मकर में संचरण करेंगे। ये स्थिति स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी नहीं रह सकती है, थोड़ा बहुत कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मेरा। 16 सितंबर से सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपनी राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 सितंबर को बुध भी कन्या राशि से निकलकर अपने मित्र शुक्र का साथ तुला राशि में पकड़ लेंगे। तो ये था राशियों ग्रहों का राशि परिवर्तन का एक छोटा सा विवरण। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, शुक्र की स्थिति ब्रह्मांड में ताकतवर होने जा रही है। किन राशियों के लिए ये भाग्यशाली होंगे, किन के लिए कमजोर होंगे, ये मैं आगे चर्चा करूंगी। आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं सीक्वेंस में राशियां नहीं बता रही हूं। किन के लिए सबसे अच्छा होगा, किन राशियों के लिए मीडियम होगा, किन राशियों के लिए और कमजोर होगा, इस तरह से बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो अवश्य देखें, तभी आप अपने विषय में और अपने परिवार वालों के विषय में शुक्र के प्रभाव जान सकते हैं। सबसे पहले बात होगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो सप्तम स्थान में गोचर करेंगे, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, ये सच है, क्योंकि केंद्र में जब कभी भी कोई भी ग्रह अपनी या उच्च राशि में होता है तो वो महापुरुष योग का निर्माण करता है। तो मेष राशि के लिए यद्यपि शुक्र जो है वो मालव्य योग का निर्माण सातवें घर में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेष राशि के लिए शुक्र मारक ग्रह बनते हैं,
दूसरे भाव के भी मालिक होते हैं और सप्तम के भी मालिक होते हैं, सप्तम में ही गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए, करियर में प्रोग्रेशन के लिए ये समय ठीक होगा, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के लिए पंचमेश सूर्य भी आपके ही अपने राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे घर के मालिक भी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र जो है वो भी एक इस तरह का संचरण करेंगे। तो सेहत को अगर छोड़ दें तो बाकी दृष्टियों से, विवाह की दृष्टि से, प्रेम संबंधों की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ नई पार्टनरशिप में काम शुरू हो सकता है, व्यवसाय आप नया शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि शुक्र का प्रभाव मारक ग्रह का है, इसलिए इस गोचर को सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब बात होगी कर्क राशि या कैंसर मून साइन। आपकी लग्न से यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में शुक्र का संचरण होगा। चौथा घर हमारा सुख सुविधा, एसेट्स, कन्वेंस यानी कि वाहन, सब कुछ इसी से देखा जाता है। तो चौथे घर के मालिक का चौथे घर में बैठ जाना, वहां से संचरण करना, गोचर करना एक बहुत उत्तम स्थिति है। आपकी माँ का, जिसको आप कहते हैं ना, उत्थान हो सकता है, आपके एसेट्स की वृद्धि। अगर आप कोई घर वगैरह खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है इस वक्त इस महीने में आपकी ये डील हो जाए। आप नई कार खरीदना चाहते थे, आप खरीद सकते हैं। यानी कि स्टेटस, सुख, शांति, मां, सब में वृद्धि हो रही है। और शुक्र जो होते हैं वो चौथे घर में दिग्बली भी होते हैं, दिशा बल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए अद्भुत समय है, बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके लिए शुक्र की दूसरी राशि जो है वो एकादश है, ग्यारहवें स्थान में पड़ती है वृषभ। तो ग्यारहवें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक चौथे घर में गोचर कर रहा है, तो भूमि, वाहन, सुख सुविधा, आप लोग घर में रेनोवेशन का काम करवा सकते हैं, अपने घर में कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ लग्जरी के सामान इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपके लिए करियर के प्रोग्रेशन के लिए भी, क्योंकि चौथे घर का मालिक जो है वो दसवें घर को देखेगा, तो वहां के लिए भी अच्छी स्थिति है। आपके लिए भी शुक्र चौथे घर में यानी राशि से चौथे घर में मालव्य योग का निर्माण करेंगे, एक महीने का फायदा उठाइए। अब बात होगी तुला राशि की स्वयं। तुला राशि वालों के लिए आपकी राशि पर ही राशिष का गोचर हो रहा है। राशिष मतलब साइन लॉर्ड, आपकी राशि ही तुला है और आपके राशि के स्वामी अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। अच्छी स्थिति है, जो मतलब आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो सकता है, आप कुछ अपनी अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान दे सकते हैं, आपके जीवन में भी कोई नया प्रेम प्रसंग भी आ सकता है, क्योंकि लग्न में बैठकर शुक्र सातवें भाव को देख रहे होंगे। यहां पर एक छोटी सी जो बात आ जाती है वो ये कि शुक्र आठवें घर के भी मालिक आपके लिए बनते हैं। आठवें घर के मालिक का लग्न में अपनी ही राशि में संचरण करना, थोड़ा सा और वो भी शुक्र, कोई सीक्रेट अफेयर या कुछ इस तरह की चीज आपकी मान सम्मान को थोड़ी सी ठेस पहुंचा सकती है। यानी कोई सीक्रेट काम इस महीने आप ना करें, लुका छिपी ना करें, अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपने काम को बढ़ाने की चीजों पर ध्यान दीजिए, तुला राशि वालों के लिए भी एक अच्छा समय हो सकता है। तो ये राशियां अभी तीन हुई हैं जहां पर शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। अब चौथी जो राशि है वो मकर राशि। मकर राशि जो है वहां से आपके लिए दशमेश यानी कि दशम स्थान के मालिक बनते हैं, टेंथ लॉर्ड शुक्र, और टेंथ हाउस में ही गोचर कर रहे हैं। आपके लिए तो योग कारक भी होते हैं, पंचमेश भी है। मकर के लिए इन चारों स्थानों में यानी कि जहां जहां सूर्य माफ कीजिएगा
शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं चार स्थानों पे, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थिति मकर की रहेगी, क्योंकि मकर के लिए ग्रह ग्रह योगों की स्थिति ऐसी है कि आपके लिए आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह आपके दसवें घर में गोचर कर रहा है, दशमेश है। काम के लिए अगर आप परेशान हो रहे थे तो इस महीने प्रमोशन, नया जॉब या नए जॉब की कोई आगे संभावनाएं बढ़ जाएं, इस तरह के योग बहुत अच्छे बनते हैं। आपके पांचवें घर का भी मालिक केंद्र में है, तो बच्चों की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चे अगर नौकरी योग्य हैं तो उनको नौकरी मिल सकती है। मकर राशि के लिए ये गोचर इन चार भावों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कर्क और मकर, इस चार केंद्र स्थानों में शुक्र की स्थिति में कर्क और मकर बेहतर है इन कंपैरिजन टू मेष और तुला। अब जो है बात होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि भी एक ऐसी राशि होने जा रही है जो इस गोचर का बड़ा फायदा ले सकती है, क्योंकि आपके लिए पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में है और चौथे घर के मालिक बुध भी जो है वो अभी चौथे घर में ही है। तो एसेट्स की वृद्धि, आपके काम की वृद्धि, आपकी मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज जो है, आपका एक्सप्रेशन जो है वो बाकमाल होने वाला है। अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यक्ति हैं तो ये गोचर एक महीने में आपके नाम की मतलब एक वृद्धि करवा सकता है, आपको करियर में नया अपलिफ्टमेंट दे सकता है। आपके बच्चे भी आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले बन सकते हैं। अगर आप कोई शिक्षा लेना चाहते थे, कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाहते थे, कोई गाना सीखना चाहते थे, या आप चाहते थे कि मैं किसी डायरेक्टर को असिस्ट करने लगूं, फिल्म मेकिंग का कुछ सीखना चाहते थे, ये चीजें अगर आप करना चाहते थे, आपकी राशि मिथुन है या फिर मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं आप, तो आपके लिए काफी अच्छा समय होगा, क्योंकि मिथुन राशि के लिए बारहवें घर के मालिक जो पांचवें घर में बैठ जाते हैं उसका मतलब ये भी होता है कि आप लोगों में से कई लोगों की रुचि थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि शुक्र, मैं हमेशा कहती हूं कि लग्जरी और इन सब के देने वाले तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो मिथुन राशि भी एक ऐसी राशि है जो इन 27-28 दिनों में मतलब 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अपने कुछ सपने साकार कर सकती है। ये सब तब होगा जब आपकी कुंडली में अपनी ग्रह दशा भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गोचर अकेला फल नहीं दे पाता। अच्छी दशा चल रही है, अच्छा गोचर चल रहा है, बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। और फिर ये भी है कि जिस स्थान से गोचर हो रहा है वहां पर आपके अष्टक वर्ग वगैरह में कितने पॉइंट्स हैं, 6 के आसपास अगर पॉइंट्स हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा गोचर हो सकता है। तो गोचर के भी कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन इन जनरल इसी तरह का ट्रेंड आपको अपनी राशि के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। दूसरी राशि जो होगी, जो फायदा लेगी, वो फिर से इनके मित्र की ही राशि है, बुध, यानी कि कन्या राशि। आपके लिए दूसरे घर में गोचर करेंगे, धन का मालिक है, धन के स्थान में ही गोचर कर रहा है, लग्न का मालिक लग्न में ही है अभी 22 सितंबर तक। तो दोनों ग्रह मिलकर आपकी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। जहां भी हाथ डालेंगे, जिस काम में एक तरह से कहते हैं ना मिडास टच, जो छू लिया सोना बन गया, कुछ कुछ इस तरह की स्थिति। लग्न का मालिक प्रबल है और साथ ही साथ में द्वितीयेश भी, तो यानी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आप अपने धन की जो व्यय है या जो एक्सपेंडिचर है वो आप कहां करेंगे, घर के लग्जरी के सामानों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए नवम स्थान के मालिक भी बनते हैं। ये एक कहते हैं ना कि वाणी से धन कमाने का बहुत अच्छा मौका होगा। अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड में जुड़े हैं जहां कम्युनिकेशन है, तो इस वक्त आपकी बात लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे। अगर आप
होटल इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप लेखक या सिंगर हैं अगर आप, या किसी फाइन आर्ट से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। तो कन्या राशि के लिए भी ये 27-28 दिन बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपको भी लाभ उठाना चाहिए। घर में कोई शुभ समाचार, कोई ऑस्पिशियस फंक्शन भी हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि मारक ग्रह मारक घर में ही है, फेस का एरिया, ENT का एरिया, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात तीसरी एक राशि है जो अगेन एक बड़ा लाभ उठा सकती है और वो है कुंभ राशि। शुक्र के परम मित्र शनि की दोनों राशियां पहले मैंने बताया मकर में मालव्य योग बना रहे हैं और कुंभ के लिए जो है ये नवमेश बनते हैं, नाइन्थ लॉर्ड बनते हैं और नाइन्थ हाउस से ही गोचर कर रहे हैं, चौथे घर के भी मालिक होते हैं, या इनके लिए भी ये योग कारक होते हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का एक साथ संचालन करते हैं। तो कुंभ के लिए भी एक बड़ी स्थिति है, नाइन्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। धार्मिक यात्राएं करना चाहते थे, कोई घर में धार्मिक कार्य करना चाहते थे, बड़ी पढ़ाई लिखाई यानी एडवांस स्टडीज के लिए एनरोल कराना चाहते थे, करवा लीजिए। अगर कहीं विदेश यात्रा की भी इच्छा थी तो हो सकता है कि इस महीने पूरी हो जाए आपकी। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ सकती है, आप इस वक्त देवी की आराधना अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। चौथे घर का मालिक नवम में है, यानी कि एसेट्स वगैरह अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे, घर बदलना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय अच्छा होगा। तो अब कुंभ राशि जो एक बड़ी राशि निकल कर आ रही है, जो कि शुक्र के गोचर से बड़ा फायदा उठा सकती है, बस अपने एफर्ट्स इस दिशा में लगाइए। और आशा करती हूं कि अगर आपकी कुंडली में भी अच्छी दशा चल रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब एक तीन राशियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन विपरीत राजयोग के चलते बड़े फायदे उठाएंगी, और उनमें से सबसे पहली राशि है वृषभ। वृषभ राशि जो है वो आपके छठे घर का मालिक छठे घर में है, लग्न का भी मालिक छठे घर में है। लग्न का मालिक अगर छठे घर में हो और मजबूत स्थिति में हो तो वो अपने सारे विरोधियों को परास्त करता है, कष्टों को काटता है, यानी कि लड़कर जीतता है। तो वृषभ राशि के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपके लिए इस वक्त आप अपने कार्य स्थल में अपने कॉम्पिटिशन को सरपास कर देंगे, किल करेंगे। और अगर कहीं कोई नाम चल रहा था कि आपका प्रमोशन हो सकता है या कुछ, तो उसमें आप अपने विरोधियों से एक स्टेप ऊपर नजर आएंगे और आपको बड़े फायदे दिलवा सकता है क्योंकि छठे घर का मालिक छठे घर में है। इस वक्त परेशानियों को, प्रमोशन को, उलझनों को ये काट रहा है। लग्न लॉर्ड जब छठे घर में जाए और मजबूत स्थिति में हो तो फिर ये आपको विपरीत राजयोग के फल देता है, मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी से, आप अपने कम्युनिकेशन से, आप अपना केस कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो नौकरी चाकरी में आप बड़े फायदे उठा सकते हैं। यहां पर एक ये भी बात है कि अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से हैं, लॉ की फील्ड से हैं, तो भी आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। और आपके लिए एक ये भी स्थिति है कि आपको भी हो सकता है, क्योंकि सातवें घर से बारहवां घर है, तो आपको कहीं कोई प्रेम संबंध भी इस वक्त आपकी जिंदगी में शुरू हो सकता है। अब एक और राशि जो कि विपरीत राजयोग के तहत फायदा उठा सकती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बड़ी बात है कि दशमेश होते हैं शुक्र, टेंथ लॉर्ड हैं और ये तीसरे घर में है, यानी कि इस वक्त आपसे ये पराक्रम तो बहुत करवाएंगे। सिंह राशि वाले बहुत बिजी होने वाले हैं लेकिन आपके पराक्रम का फल आपको बढ़िया दे देंगे। दसवें घर से छठा घर है, लग्न से तीसरा घर है, यानी कि राशि से तीसरा घर है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी अपने कॉम्पिटिटर्स को
नीचे ले आएंगे। आपका जो भी कार्य है, जो भी व्यवसाय है, उसमें आप अपनी मेहनत, लगन, अपनी स्ट्रेटजीज के चलते, कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे थे, तो बहुत अच्छी स्थिति में सिंह राशि वाले रह सकते हैं। खास करके अगर आप में से कोई भी सोशल मीडिया पर जुड़ा है, यूट्यूब से जुड़ा है, मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। स्ट्रेटजीज अच्छी बनाइए, अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दीजिए सिंह राशि वाले। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इस वक्त बहुत मायने रखेगा। शुक्र एक सुंदर मतलब दिखाने वाले ग्रह हैं, एस्थेटिक सेंस इनका स्ट्रांग है, तो आप अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान दें अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बड़े फायदे हो सकते हैं। तीसरी राशि होगी धनु राशि। आपके लिए एकादशेश यानी 11वें घर के मालिक हैं और 11वें घर से ही गोचर कर रहे हैं, और दूसरा जो इनका हाउस है वो बनेगा छठा घर, तो छठे घर का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक 11वें। धनु राशि के लिए भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र और बड़े फायदे लेकर आ रहे हैं। आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। आपके अम्ब्रेला के नीचे आपके नेटवर्क में कुछ बड़े लोग एंट्री ले सकते हैं जो कि आपको मदद कर सकते हैं। आपको महिलाओं से भी बड़ी मदद इन दिनों प्राप्त हो सकती है। अगर आपकी धनु राशि है तो आप कोशिश करें कि आप महिलाओं को अपने नेटवर्क में शामिल करें। आप में से कुछ लोग कुछ प्रेम संबंधों में भी पड़ेंगे, लेकिन मैं जो हूं वो पॉजिटिव तरफ आपको इशारा कर रही हूं कि अगर आप अपने कार्य में, अपने इसमें महिलाओं का सहयोग लेते हैं तो आपके लिए ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है। बट महिलाओं का सम्मान आपको हर हालत में सुनिश्चित करना होगा, नहीं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होंगे। दो राशियां बचती हैं अब, वृश्चिक और मीन। तो वृश्चिक के लिए तो 12वें घर का मालिक जो है शुक्र बनता है और 12वें ही घर में गोचर करेगा, तो आप में से बहुत लोग या तो बहुत व्यय कर रहे होंगे या प्रेम संबंधों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में पड़ सकते हैं, और या फिर अगर आपकी दशा कुछ इस तरह की चल रही हो, नवमेश की हो या 12th लॉर्ड की ही दशा चल रही हो, तब आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकते हैं, विदेश से भी कुछ पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। ये जो गोचर है, और आपके क्योंकि सप्तमेश भी बनते हैं, 12वें घर में रहेंगे, तभी मैंने कहा ना कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये गोचर जो है ये एवरेज रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। ज्यादा खर्चे से बड़े बचे, दिखावे पर खर्चा ना करें। दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि में 8वें घर के मालिक बनते हैं, 3रे घर के मालिक भी हैं, तो 8वें घर के मालिक का 8वें घर में ही गोचर बुरा नहीं है। सॉफ्ट प्लेनेट है शुक्र, अपने घर का में अपने घर में गोचर करेगा तो कोई खास बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कुछ प्राइवेट पार्ट्स में या कहीं कुछ रोग की स्थिति आप देख सकते हैं, कोई तकलीफ आपको हो सकती है। आप भी कुछ शादी के संबंधों से हटकर छुपकर कहीं कोई संबंध वगैरह अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए फिर मुश्किल होगी। हो सकता है कुछ समय बाद वो प्रकाश में आए और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो सीक्रेट काम करने से बचें। लेकिन अगर आप लोग भी माइनिंग, पेट्रोलियम या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है जहां पर पाइपलाइंस वगैरह डाली जाती हैं गैस की या किसी की, 8वां घर इन चीजों का होता है, माइनिंग वगैरह, अगर उससे जुड़े हैं और आपकी राशि मीन है, तो फिर आप कुछ फायदे उठा सकते हैं। ससुराल पक्ष से मीन राशि वालों को कुछ फायदा हो सकता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस शुक्राचार्य के अपनी राशि में गोचर करने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग ही हैं जो मेरी आवाज को
दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you.